बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बाखमालो। और कमाल हैरत की बात है, आप खुश होंगे कि आज प्रोग्राम बाकमाल में कैप्टन अबर कमाल हमारे मेहमान हैं। मेहमान क्या कहूँ, मेहमान भी है, मेज़बान भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैप्टन अबर कमाल सर पे कैप, खूबसूरत यूनिफॉर्म, 777 का लोगो, 747 का खूबसूरत लोगो और लश पश करता हो, आपको मायूसी तो नहीं होगी। वो कप्तान भी हैं और अपनी जमीनों के कमांडर भी हैं। एक खूबसूरत लैंडलॉर्ड स्टाइल कैप्टन अमर कमाल ने हंसता बसता खेलता दौड़ता भागता मेरे साथ जवानी गुजारी। हम इकट्ठे पीआईए में आए और वो पीआईए आज वाली मुजमहिल कमजोर और लागर पीआईए नहीं, जिसको देख के हमें दुख होता है। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक जिमीदार घराने के चश्मो चराग और जहाजों के बादशाह 777 के टीचर कप्तान, मेरे कैप्टन अमर कमाल से। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन अमर कमाल, कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? कोई मैंने ज्यादती कर दी कि आपको कप्तान के साथ साथ आपने कमाल जिमीदारा? जरा बताइए ये शौक है या अब्बा जी ने तक्का देता है? नहीं जी, अब्बा जी ने जिम्मियाँ देती हैं, तक्का तो नहीं देता तुसी कह सकते हो, मगर ये बेसिकली अगर मैं तारफ ना करूँ तो कोई बंदा मानने के लिए तैयार नहीं कि कैप्टन अमर कमाल जिसने एयरलाइन को ब्लड दिया, पीआईए को अपने खून से सींचा, वो फिर मट्टी के साथ मट्टी होके इस मुल्क के लिए जिम्मेदारा भी कर रहा है। लव टू यू कैप्टन अमर कमाल। नहीं जी, ये रिटायरमेंट के बाद, और ये बहुत मेहरबानी आपकी, ये बाकमाल लोग आपने जो प्रोग्राम शुरू किया है फ्रॉम दिस दोस्त टेलीविजन, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। थैंक यू वेरी मच सर। मसला ये है कि जिस टाइम पे हमने एयरलाइन ज्वाइन की तो हम लोग एशिया नंबर वन, सारी दुनिया में हम लीड किया करते थे। अब उसके बाद जब इसको मैं गिरते हुए देखता हूँ तो मुझे दिल एक्चुअली टूट जाता है। कप्तान साहब, आप थे जब जी, मैं था, वो लोग क्या थे, क्या जज्बा था? भरे जहाज, ऑफलोडिंग हो रही, डिनाइड बोर्डिंग हो रही, किधर चला गया, कौन ले गया, क्या वजह है, बताइए नाज़रीन को सर। एक तो ये ओपन स्काई पॉलिसी जो थी, ये हमारा मैक्सिमम लोड लेके गई। हमने कंपीट करने में हमें कोई मसला नहीं है, मगर जब हमारी अपने आदमी ही आप पैसेंजर्स दूसरी एयरलाइंस को देने शुरू कर दें, अपने पैसेंजर, हमने अपने घर का सौदा सिर्फ लोगों को देना शुरू कर दिया, हमारे सेल्स कैप्टन अमर, आप यही कहना चाहते हैं कि सेल्स प्रमोशन ऑफिसर हमारा कार्गो दे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल यही कह रहा हूँ। और हमारे आहिस्ता आहिस्ता शुरू करके और ये बहुत हद तक पहुंच गया, फिर इसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर ली। जो लिमिट्स क्रॉस करने के बाद इसको रिवैम्प करते रहे और ये सोचते रहे कि इसको ये इधर से हम यूरोप से ले आए टेक्नोलॉजी, इधर से टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है, आपको टैलेंट, आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास हर चीज़ है, आपके पास एम्स हम लोग खुद चलाए हैं, हमने इन्वेंट किया हुआ है, हम साइबर सिस्टम से ज़्यादा अच्छा जानते हैं टिकटिंग एंड ऑल, मगर हम लोगों के आदमियों को आपने चांस नहीं दिया आगे जाने का, आपने उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखा नीचे। अमर, आप ये कहना चाहते हैं कि इस बड़े हसीन घर को आग लग गई घर के चिरागों से? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए, मैं अब आपसे और क्या कहूँ। अल्लाह उन चिराग बुझाने वालों के अपने चिराग बुझ गए। आपने देखा कैप्टन अमर कमाल वो नेस्तो नाबूद हो गए जिन्होंने इसको खाने की कोशिश की। अब देखे, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो उनका क्या हुआ, मगर ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि हमारे जो शागिर्द हैं उन्होंने भी कसम उठाई हुई है कि वो इस एयरलाइन को डूबने नहीं देंगे इंशाल्लाह, वो इस एयरलाइन के लिए अपनी जान भी हाजिर कर देंगे, मगर इस एयरलाइन को आगे लेके जाएंगे। कैप्टन अमर जी, ये बताइए कि इसके मेजर जो लॉस के एट्रीब्यूटर्स थे उनकी नैबिंग और ग्रैबिंग क्यों नहीं हो सकती? आप पटवारी को पकड़ लेते हैं, आप एक थानेदार को पकड़ लेते हैं, लेकिन जिन मगरमच्छों ने रूटी भेज दिए, कैप्टन अमर कुछ तो रोशनी डालिए, कोई तो मसीहा है अब, जो उनको नैब करे, ग्रैब करे। आपको क्या बताऊं, हमारे पास कई एमडी आए जिन्होंने पूरे रूट्स बेचे बकायदा,
उनको सेल किया नीलामी की रूट्स की, और जो बाकी एयरलाइन ने वो रूट खरीद के अपने ट्रैफिक राइट्स हमारे, पैसेंजर हमारे और जहाज उनके चल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या और बताऊँ। मैं इस पे थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि कैप्टन आमिर नॉट ओनली एमडी, व्हाई वी शुड से ओनली एमडी, एक माफिया, एक रैकेट ऐसा था जो इसकी तबाही का बायस बनता 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 और ये जमीन बोस होती गई। खुदा करे हम इसको वापस लौटाने में कामयाब हों। वापस तो हम इसको लौटा लेंगे। मैं एक आपको जब एमडी का मैं कहता हूँ, एमडी हर मीटिंग बोर्ड की हेड करता है हर रोज, उसके सामने डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, उसके साथ जनरल मैनेजर्स बैठे होते हैं, वो उसको ब्रीफ कर रहे होते हैं। मगर अगर उसको ब्रीफिंग ही आप गलत देंगे तो ऑब्वियसली उसके डिसीजन भी गलत होंगे। जब उसके डिसीजन गलत होंगे तो वो आपकी एयरलाइन को तबाही की तरफ ले जाएंगे। नहीं, माफी चाहता हूँ कैप्टन आमिर जी, जी आप चलिए एमडी हो गया, उसकी जो ब्राइडल है, लगाम है, उसके पीछे भी एक रैकेट की बात कर रहा हूँ। एमडी अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसकी तनाएं जो लगाम है वो पीछे से हिलाई जाती है। हम इस पे फिर बात करेंगे। ये सिर्फ ये बता दीजिए, क्या जुल्म नहीं कि जिस शख्स को दुबई से, जिस शख्स को बाहर से डिपोर्ट किया जाए, हथकड़ियों में डिपोर्ट किया जाए, हमारा सरबरा लगा दिया जाता है, जिसका कोर्ट मार्शल हो जाए फौज से, उसको एविएशन का इंचार्ज लगा दिया जाता है। और कैप्टन आमिर माफी चाहता हूं, दिल दुखा हुआ है जी, लेकिन आज आप नजर आए हैं तो ऐसे लगा है कि फिर हम उठेंगे इंशाल्लाह। वो ये, तो हम इंशाल्लाह जरूर उठेंगे। आप मुझे बताइए कि आईने बेच तो अंधों के शहर में पटवारी को सर्जन लगाया जा रहा है, इंपोर्ट किए जा रहे हैं लोग, और मुझे आप इस पर जरा रोशनी डालिए, क्या प्रीमियर क्लास तो हमारी लड़कियां उसको सर्व नहीं कर सकती, हमारा हमला नहीं कर सकता, बिल्कुल कर, हमारा ग्राउंड स्टाफ नहीं कर सकता। बताइए कि करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अब आपकी एयरलाइन की 32 एयरलाइन हम ट्रेन किया करते थे, 32 एयरलाइन का क्रू हम ट्रेन किया करते थे, वो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में वो क्रू सर्व किया करता था, योगोस्लाविया तक को हमने बनाया। अब मसला ये है कि वो हमें आगे क्या सिखाएंगे, ट्रेनिंग किस तरह होती है। सर वो बताइए, वो पीटीसी किधर चला गया जिसमें कैप्टन आमिर पढ़ा, जिसमें मैं पढ़ा, जिसमें तमाम हमारे बच्चे पढ़े, और वो स्पानी हैंगर क्या खटारा बना दिया गया जहां दुनिया के जहाज आके अपने आप को गुसल दिया करते थे और हम पैसे कमाया करते थे। बिल्कुल हम किया करते थे, राइट सर, हम हर चीज किया करते थे। अब मसला ये है कि हमारा जो प्रिंसिपल पीटीसी का होता था वो हमारा अपना एम्प्लॉय होता था, उधर इम्पोज नहीं किया जाता था। अब अगर बाहर से आके किसी को आप लगा देंगे जिसको पता ही ना हो कि पीआईए चल किस तरह रही है, वो उस एयरलाइन को कभी नहीं चला सकता। कैप्टन आमिर मैं आपको हम के दुख से कह रहा हूं कि हम एक ऐसा ऐसे ऐसे खौफनाक प्रोग्राम कर रहे हैं कि 35-40 लाख रुपए का एक फ्रॉडिया ठेकेदार जो है 10 साल तक बिल रोकता है, और उस पर हम फिर तफसीलन बात भी करेंगे आपके साथ, एमडी के साथ भी बात करेंगे कि 10 साल के 2006 के बिल 35 लाख रुपए के लाहौर का एक कॉन्ट्रैक्टर ये 2016 में साइन करवा रहा है। इस तरह के और कई हादसात हैं। आप इस जमजम में तौबा नौज़ बिल्ला, किन किन चीजों पे इसको स्टैब नहीं किया गया, जरा बताइए अवाम जो इसके बारे में सुनना चाहते हैं कैप्टन आमिर, खुल के बताइए कि कैसे भाई है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि आप जमजम पे भी लोगों ने पैसे कमाए हैं। अस्तगफुरुल्लाह। हाँ, अब जहाज आया करता था खाली वापस, उन्होंने कहा जी इस पे आप जमजम मंगा लें वापसी में, उस पे भी लोगों ने पैसे कमाए। और उनसे जब आप हाजी आपका कराची या लाहौर या पिशावर पहुंचता तो उससे पैसे ले रहे थे आप जमजम के, जो आपको फ्री मिलता है। और 5 रियाल वाला 15 रियाल में वहां से खरीदा गया। नहीं खरीदा भी, खरीदने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, वो भी फ्री, बिकॉज खाली जहाज आ रहा है उस पे आप जमजम, ये सजेशन थी कि जी आप वापसी का जहाज खाली है उस पे आप जमजम ले आए, और यहाँ एयरपोर्ट पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें उन पैसेंजर्स को, तो हम एक्स्ट्रा वेट कैरी कर सकते हैं जद्दा से आते हुए। उस पे भी इन्होंने पैसे कमाए। इन्होंने हर कोई जगह नहीं छटी इन्होंने। कैप्टन आमिर है भी दसो कि जहाज पे ट्रॉलियां गैप कर दी गई। एक माफी चाहता हूँ, हमने तो एयरलाइन कप्तानों के हवाले कर दी सर, एमडी भी आप बने, एक एक प्राइम मिनिस्टर का दोस्त हो गया, दूसरा दूसरे प्राइम मिनिस्टर का दोस्त हो गया,
ट्रालियां गायब कर दी गई, कंबल गायब कर दिए गए, सैंडविचों के लिए सालियों को ठेके दे दिए गए। बताइए कप्तान आमर, किस किस हाथ हम अपना लहू तलाश करें? यार अब मैं आपको क्या, और रुस्वाओं के गए वो लोग यहाँ से, वो रुस्वाओं के गए, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मसला ये कि जब आप एक सर्टन सर्कल में मूव करना शुरू हो जाते हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उसी सर्कल में मूव कर रहे होते हैं, फिर ये आपके दोस्त बन जाते हैं। जब आप यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं, ट्रेवल करा रहे होते हैं, तो ये आपके साथ एज अ पैसेंजर ट्रेवल कर रहे होते हैं। अभी कैप्टन आमर साहब मुझे ये बताइए, मैं कहता हूँ कि आज अगर आपको, मुझे छोड़िए, आपको MD लगा दें, तो इम्पोर्ट करने की जरूरत क्या है? चेयरमैन MD CEO इम्पोर्ट करने के, हम वजीर आजम इम्पोर्ट करते हैं और अपने बंदे हमारे जो हैं वो फिर तंग आके जिम्मेदार शुरू कर देते हैं अपने, जब अपनी जमीन तो है, वो अपनी जमीन है, ये होते थे कोई मसला नहीं है। यानी आप ब्रेन जो है, आप ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं। आपने यकूब जावेद कमियाना को तो घर भेज दिया 6-7 ग्रुप में, और आपने 4 कर्नेल 5 बड़े बाहर से लेकर लगा दिए, एयरपोर्ट सर्विसेज का डायरेक्टर लड़की लेडी बाहर से लगा दी, लोग आपके पास टैलेंट पड़े हैं। जब आप आमिर कैप्टन बताइए क्या जुल्म है, हम इसको किस तरह इनको स्टेप कर सकते हैं? देखिए हम इसको, इस ये जो वेव है, ये इसको आप कह सकते हैं ये करप्शन की वेव है, बेसिकली ये एक करप्शन का हिस्सा है। इसको अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे तो मैं और आप तो इसके साथ ही बह जाएंगे। और बह गए, बह गए हैं, बल्कि इसको हम रोक नहीं सकते। चौथे दिन कैप्टन आमर एक मोइन कुरैशी इंपोर्ट हो जाता है। अभी मुझे, अब ये मोइन, अब यही आप नाम जो आपने लिया, अब मुझे बताइए कैसा प्राइम मिनिस्टर था जो आया और आगे चला गया, कोई पूछने वाला नहीं है। आप मुझे बताएं, ये हमारा एक MD आया था, आया और चला गया, और अभी जर्मन गोरा आया हुआ है, अब आया है चला जाएगा। कल गवर्नर 10-12-14 साल तबाही मचा के उसने क्या किया, उसके पास क्या गिद्दड़ सिंगी थी, आया और गवर्नर हाउस से सीधा दुबई चला गया। यानी आए राज करें, एयरलाइन पे आप मौज, 14 साल आप गवर्नर रहे, उसके बाद डायरेक्ट दुबई चले जाए, और मतलब कोई पूछ गीछ नहीं आपसे कि आप, लोग कह रहे हैं कि आप सर्टन लोगों को सूटकेस लेके जाते थे, भाई सूटकेस लेके जाते थे, कहीं तो लेके जाते होंगे। कैप्टन आमर ये बताएं कि आप अभी आजम सैगल साहब जो हैं, मियां आजम सैगल साहब जी फरमाया है कि जी ओवर स्टाफिंग है, ओ भाई 5,000 मजदूरों की तनख्वाह मिला के आपके 10 डायरेक्टर जनरल मैनेजर एक तरफ और 5,000 गरीब मुलाजम जो लोडिंग कर रहा है, जो रुल रहा है, उसको आप कुछ नहीं दे रहे, और फिर चलिए ओवर स्टाफिंग है तो आपने 6 जनरल मैनेजर सिक्योरिटी रख लिए। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, ये एमिरेट्स एयरलाइन हमने खुद बनाई थी, यस हम हिस्सा थे उसके, वो जो किताब हमने दी है एमिरेट्स एयरलाइन, अभी भी वो संभाल के बैठी हुई है, उसी तरीके से एयरलाइन चला रहे हैं। उन्होंने आदमी जो है, उन्होंने पहले कैलकुलेट किया था कि हमारे पहले साल इतने लॉसेज होंगे, दूसरे साल इतने लॉसेज होंगे, लॉस कैलकुलेट करके आगे एयरलाइन चलती है। कोई बिजनेस भी आप नहीं शुरू करते हैं, वो लॉस कैलकुलेट करती है। हमारी एयरलाइन के साथ ये अच्छाई थी कि हम लोग वर गिवन अ क्लीन ब्रेक फ्रॉम 60 ऑनवर्ड टू गो एंड एक्सपैंड इन द वर्ल्ड। हम जिस तरह एक्सपैंड कर रहे थे, हमें एक्सपैंड करने देते, इन्होंने हमारी एक्सपेंशन जहाजों की रोकी। ये ओवर स्टाफिंग नहीं है, जहाजों की आपने एक्सपेंशन रोकी है। मैं कहता हूँ कैप्टन आमर, चलिए ओवर स्टाफिंग है, आप कहते हैं ओवर स्टाफिंग है, फिर आप MD बाहर से ले आते हैं, CEO बाहर से ले आते हैं, आप चेयरमैन बाहर से ले आते हैं। अगर भाई ओवर स्टाफिंग है तो 10 कर्नल जनरल मैनेजर सिक्योरिटी क्यों रखे हुए हैं, निकालिए, डायरेक्टर बाहर से लेके आ गए, आप अंदर से, आपके पास चप्पे चप्पे पे आपके पास टैलेंट पड़ा हुआ है। जब मैंने एयरलाइन ज्वाइन की थी, हमारे पास टोटल 16 सिक्योरिटी स्टाफ था, उस टाइम पे हमारे पास 52 एयरक्राफ्ट थे। अब आप हिसाब लगाएं, वो 16 स्टाफ 52 एयरक्राफ्ट का पूरी दुनिया पे सिक्योरिटी हैंडल कर लेता था। अब इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बाद भी आपकी सारी सिक्योरिटी निकम्मी है। कैप्टन आमर गुफ्तगू जारी रहेगी, 16 सिक्योरिटी उस वक्त, अब मेरा ख्याल है 16 और जनरल मैनेजर सिक्योरिटी होंगे, वेली रन प्रोणे जो की हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। नाजी एक छोटा सा वक्त वापस लौटते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने, इदारे कैसे बैठते हैं, इदारों को बनाने वाले किस कदर जसाट होते हैं, लेकिन हम फिर भी हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम इंशाल्लाह ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, बाकमाल लोग लौटा के रहेंगे। आइए हम कैप्टन आमर से फिर गपशप करते हैं, पूछते हैं कि कैप्टन आमर, अस्फहानी हैंगर से ही हम करोड़ों डॉलर महीने के कमा सकते हैं, क्या ये दुरुस्त है कैप्टन आमर? ये बिल्कुल, अस्फहानी हैंगर इंजीनियरिंग हमारी सपोर्ट पूरी दुनिया को, पासिंग आउट ऑफ कराची, जो जहाज आपका आए कराची, आप उसको कंप्लीट सर्विस, कंप्लीट फैसिलिटी दे सकते हैं, एज वी हैव बीन, आप ओवरऑल दे सकते हैं, आप उसको ब्लॉक का, आप उसका इंजन, एवरीथिंग कंप्लीट आपका इस्फहानी हैंगर सपोर्ट दे सकता है टू एनी एयरलाइन कमिंग इनटू पाकिस्तान। अच्छा कैप्टन साहब, ये जरा थोड़ा सा है तो टेक्निकल चीज, जरा ये बता दें कि इसमें भी जुर्म नहीं हुआ कि रूट तो दे दिए हमने, जो अब जहाज लीज पे लिए हैं उनके साथ अमला भी ले लिया, सारा कुछ ले लिया, और हम उनके आगे हाथ बांध के खड़े होते हैं, हमारा अमला इस काबिल नहीं है, हमारे कप्तान माशाल्लाह, मैं तो ये कह नहीं सकता, इस काबिल नहीं है कि हम कम से कम अपने ये लाखों पाउंड डॉलर जो जा रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं, उनके जहाज लेने में, अमला लेने में, उनकी शाखर्चियां, आप प्रीमियर क्लास पे पाउंड हजारों लाखों करोड़ों पाउंड जाया होने, क्या ये बच नहीं सकते? आप बताइए प्लीज, मशवरा दीजिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि जहाज भी हो पालो, जब तक ड्रेन नहीं रुकेगा मामला नहीं रुकेगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये 777 जब इंट्रोड्यूस हुए थे जी जी PIA के अंदर, तो हमें एक जहाज $132 मिलियन $128 मिलियन का एक जहाज मिला, कॉस्ट किया है फ्रॉम बोइंग। उस टाइम पे हमें यूनाइटेड एयर 55 मिलियन का एक 777 वन एयर यूज्ड का दे रही थी, विच वाज वन एयर यूज मींस इज एज गुड एज न्यू, दैट मींस एट लेस देन हाफ द प्राइस, वो आपको घर डिलीवर कर रही थी विद ऑल ट्रेनिंग इंक्लूडेड, ये यूनाइटेड की बात, ये उसको रोक के हमारे उस टाइम के एमडी जो है चेयरमैन अहमद सईद, उस टाइम हमारे होते थे फाइनेंस, वो बाद में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी थे, जिसको मैं कहता हूँ किराए का प्रेसिडेंट मंगाया हुआ था, अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन नेशनल था, अच्छा वो क्या नाम था उसका, ह्यूस्टन, उसको मैं एक दफ़ा शिकागो लेके भी गया था, वो मेरे साथ ट्रेवल भी किया था, वो हमारा एक ज़माने में इकोनॉमिक सेक्रेटरी, इकोनॉमिक मिनिस्टर भी हुआ करता था, शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर था ना, प्राइम मिनिस्टर, हाँ, आया चला गया, ये एट वन टाइम जब साइनिंग हुई थी तो वो 50 की जगह 132-128 मिलियन के इन्होंने जहाज साइन किए थे, That was what was done. अब जिधर millions of dollars में आप बाहर निकाल रहे हैं, उस तरह आप कमा नहीं सकते उतनी तेज, जितनी तेज हमने कमाए थे उतनी तेज इसको निकाल, हमने कमाए थे और रूजवेल्ट खरीदा था, अब ये रूजवेल्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो रूजवेल्ट जो आज 1.25 बिलियन का है, ये बेचना चाह रहे हैं 7 मिलियन का, आप अंदाजा लगाएं कहाँ बिलियन कहाँ मिलियन। कैप्टन आमर जी, क्या ग्रेट लोग थे, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाने वाले, कितने बड़े अजीम लोग, और एक ऐसा रूजवेल्ट होते हैं, नहीं रूजवेल्ट वो क्या पेरिस वाला स्क्रिप्ट, हाँ वो बिल्कुल एक ऐसे बहुत सारे, पूरी दुनिया में हमारी इतनी प्रॉपर्टी बनाने वाले फरिश्ते जो थे कहाँ चले गए, हम बेचने पे लग गए हैं, बनाने वाले इतनी इतनी कीमती, जब आप बेचेंगे प्रॉपर्टी बनाई, पीआईए शेवर था, इन्वेस्टमेंट में हमारी क्या चीज थी, हमारे डांस ट्रूपेस जाया करते थे पूरी दुनिया के अंदर एडवर्टाइज करने के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल को, मैं आपको क्या बताऊं, पीआईए का ताइफा, पीआईए का ताइफा था, हां बिल्कुल, मेनी अदर्स, हम बेचने पे लगे, आपका हमारे दादा ने बनाई, बाप ने बनाई, और पोतरे पोतियों ने बेचनी शुरू कर दी, अल्लाह हमें बचाए। कैप्टन आमर जी जी, कोई हमने ये नौहा तो पढ़ दिया जी जी, कोई नुस्खा बताइए
इस हकूमत को वजीर आज़म में अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन कैप्टन आमर ये बताइए नवाज शरीफ शौकीन है जहाज तो लेके दे रहे हैं लेकिन अगर ड्रेन ही नहीं खत्म होगा तो उन जहाजों का क्या फायदा नहीं जी अगर इसको आपने सही मायने में ठीक करना है तो आप सिर्फ अपने साथ साथ बोलें आप अपने साथ साथ बोलेंगे ये एयरलाइन ठीक हो जाएगी मैं ये नहीं कह रहा कि वो मिरेकल बाहर से आएगा ये यहाँ ही अपने लोग आप जब तक लेंगे नहीं और उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे आप इस एयरलाइन को कभी रिकवर लेकिन कैप्टन आमर फिर आपको इस पे शायद बड़ी आप महसूस करेंगे आप एक खानदानी आदमी हैं क्या अपने नहीं लगाए अपनों ने क्या कर दिया आपने अपने चेक कर लीजिए अपने ही लगते रहे नहीं अपने आप किन को अपने भाई प्रोफेशनल अंदर से कप्तानों को लगा दिया गया एक तजर्बा किया जी कप्ताना नो दे दो आप आपके सामने आप कैप्टन कप्तान जहाज उड़ा सकता है कप्तान एयरलाइन भी चला सकता है जनाब जहाज उड़ा सकता हूं मैं एयरलाइन मेरा काम है नहीं चलाना इस पे तो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी आपको याद होगा मुझे याद है ओके उन्होंने कहा कप्तान यस जहाज उड़ाने में मेरा एक्सपर्टीज है जो है ना वो जहाज है मुझे क्या पता टिकट किस तरह बिकता है या सेल्स का क्या काम है इंजीनियर को मैं चेक कर सकता हूँ सिक्योरिटी को मैं चेक कर सकता हूँ मगर सेल्स के साथ तो मेरा तल्लक ही कोई तो आप बेशुमार आप बीइंग ए कैप्टन बीइंग चलिए डीएफओ लग गया कप्तान लग गया आप बेहतरीन मशवरे हुकूमत को दे सकते हैं कि जनाब ये जहाज अगर आएगा तो कम हो जाएगा इकोनॉमिकली हम सेविंग करेंगे बिल्कुल आप फ्यूल और ये ग्रेसफुल जहाज होगा इस पे ये मशवरे हैं इस पे सीट कैपेसिटी ये तो कप्तान साहब कर सकते हैं लेकिन कप्तान साहब को एकी टॉ टप्पा दे शौक है कि महीने च एक दफा फ्लाई भी करना है ते नाल ये दो ही दो शौक पूरे नहीं होते ऐ मतलब नाले दो दो नहीं नहीं नाले दो दो तरह की चोपड़ियां मेरी दादी कहती थी कि जे जन्नत जाना तो मरना जरूर पड़ेगा ये मरोगे नहीं तो जन्नत नहीं जा सकते अच्छा फिर कप्तान साहब एम ए पीस पंजाबी च जोड़ांगा यानी आए भी बड़े शौक नाल ते रसवा भी बड़े होके गए यानी इतने बेइज्जत होके गए ते चस्का फिर नहीं जाता जी जी मैं आप ये मेरे नवासे आए हुए हैं टोरंटो से आजकल वो हमें ऑन एंड ऑफ तंग कर रहे हैं नहीं नहीं माशाल्लाह रौनक है जी ये टोरंटो से इसको अभी बुलाएंगे बाद में ये भी आया है हाँ जी माशाल्लाह देखो ना हमने और कभी कोई एयरलाइन इस्तेमाल ही नहीं की मेरे बहन है भाई है वो हमेशा पीआईए इस्तेमाल करते हैं जितनी मर्जी एयरलाइन जी करप्शन और निपोटिज्म और रातों रात प्रमोशन डिस्क्रिमिनेशन भी हिस्सा है इसको डैमेज करने का इस पे भी जरा बताइएगा ये आप देखें हम काम तो पाकिस्तान के अंदर ही कर रहे हैं ना पाकिस्तान से बाहर जाके तो काम नहीं करते लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही आपकी करप्शन है पाकिस्तान के अंदर ही आपकी ये घुन की तरह खाई जा रहा है बिल्कुल आप करप्शन ने एक्चुअली आपका मेरिट मार दिया जो आपकी एयरलाइन नीचे गई है कि आपका मेरिट आगे आया ही नहीं है मेरिट खत्म हो गया सर तो जब मेरिट खत्म हो जाएगा तो मेरिट का तो जनाजा निकाल दिया तो जब आपका मेरिट खत्म हो जाए तो आप एयरलाइन को रिकवर क्या आप अपने मुल्क को रिकवर नहीं कर सकेंगे यानी आप ये देखें कि जुल्म खुदा का कैप्टन साहब कि कभी ऐसा हुआ है कि फोकर F-27 जो बेचारा मरहूम हो गया जो हमारे दोस्त थे कभी हम उन उस जहाज ने कमाल इस एयरलाइन को बनाया जी जी कभी ऐसा हुआ सर कि F-27 के कप्तान को उठा के 747 का कप्तान बना दिया जाए नो एक प्रोसेस है ना सर पूरा प्रोसेस है और आप फोकर कप्तान को जंबो को पायलट बनाते थे और उसको तरीका सीखे के एयरलाइन में रन किस तरह फिर उसको सबसे छोटे जहाज लेके आते थे जेट का जहाज फिर उसके बाद आहिस्ता उसको एयरबस ऐसे तो कोई तरीका नहीं है कि आप जो आदमी जिसके बाल सफेद है उसको 747 पे बिठा दे और उसके बाद अभी 737 से या एयरबस से पूरे पूरी उसके उसके प्रोसीजर के बगैर और उसको 777 का कप्तान बना दिया ऐसा हुआ ना सर तो अब ये जुल्म नहीं है अब जो जिसने गल्फ से आगे देखा ही नहीं है आप उसको यहाँ से डायरेक्ट अमेरिका ह्यूस्टन सिएटल बिकॉज एक दफा आप अमेरिका क्लियर हो रहते हैं तो यू आर क्लियर फॉर द वर्ल्ड आप पूरी दुनिया में ट्रेवल और जहाज फ्लाई कर सकते हैं बिल्कुल अब जब आपको लॉज और तरीके ही नहीं आते यहाँ से ट्रेवल करने के मतलब तरीके हैं ना जैसे अगर आप यहाँ से इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो एक तरीका है उधर से पिशावर जाना चाहते हैं एक और तरीका है
उधर से आगे अगर आप काबुल जाना चाहते हैं तो एक और तरीका है। जॉब करने वाला डॉक्टर सर्जन कैसे बन सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल यही। अब उसको तरीका है, उसने ऑपरेशन करेगा, अंडर सुपरविजन करेगा, हर चीज करेगा, उसके बाद वो ऑपरेशन करेगा। कैप्टन अमर ये बात दुरुस्त नहीं है कि रंग लाती है ना पत्थर पे पिस जाने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, सुरखुरू होता है कप्तान जहाज और फ्लाइटें चलाने के बाद। बिल्कुल, इज इट राइट सर? बिल्कुल सही कह। अब हम अभी वो बेचारा निप्पल से होता है, यानी अभी वो एटीआर से उठता है, फिर उसको शौक हो जाता है, फिर इधर उधर काटवट मारता है। यही हाल नीचे ग्राउंड पे है सर। जी जी, ग्राउंड पे है। और जुल्म देखें सर के डिस्क, इसको मैं टारगेट नहीं करता, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन ने भी इदारा बर्बाद कर दिया। इसका दुखी कर सकते हैं, मतलब मेरे पास तो मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह मियां को सीधे रास्ते पे लगाए। मैं और आपसे क्या कह सकता हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं खुद अपने सीधे रास्ते पे लग के और जिम्मेदारी पे लग के यही आपको बता सकता हूँ। लेकिन हमने आपको कैसे ढूंढा सर? हमने ढूंढ निकाला और आज ये समझे नाज़रीन, आज ऐसे समझ लीजिए कि हमने एयरलाइन के हकीम लुकमान को टेस्ट किया है और हमारे साथ वो मौजूद है जिन्होंने भरपूर जवानी में पूरे शौक से एयरलाइन को सींचा। हमारे साथ हैं, हमारी गुफ्तगू जारी है। कैप्टन अमर, कोई और नुस्खा बताइए इस हुकूमत को, हुक्मरानों को, कि कोई इनके पास रास्ता नहीं है कि इंपोर्टेड सीईओ, इंपोर्टेड चेयरमैन और ये सारी इंपोर्ट बंद की जाए। अपने घर में देखें, इनको सारे इलाज अपने घर में से मिलेंगे। मैंने तो बहुत कहता हूँ जी, मैं तो रोज कहता हूँ, हर फॉर्म में कहता हूँ, फॉर गॉड से आप जनाबे वज़ीर आज़म, आपके पास हीरे पड़े हुए हैं, आप देखें, सिर्फ बोर्ड बनाए, आपने मोटरवे बनाई, तो इस पे अपने मशीरों को छोड़िए। हम बेहतर मशवरा दे रहे हैं, कैप्टन अमर और यकूब जावेद कमयाने से बेहतर मशवरा देने वाले और नहीं है, बाहर से आने वाले नहीं है। इस एयरलाइन को आपका शौक है, इस एयरलाइन को कैप्टन अमर, अच्छे जानतदार लोगों की जरूरत है, इस एयरलाइन को चापलूसों की जरूरत नहीं है। कैप्टन अमर, सस्ते जहाज अभी जो ये दे रहे हैं, जी जी, अभी ये जो नए इंडक्शन करने वाले हैं, जरा मशवरा दे दीजिए प्राइम मिनिस्टर साहब को कि क्या किया जाए। आज आप 2005 में आए थे, ऑलमोस्ट 777 2005 में आए थे, नहीं 2004 में आने शुरू हो गए थे ना सर, 2014 हो गया था, 2004 में ओके, 2004 कंप्लीट हो गया। आज उस पे आप गुठलियां पढ़ रहे हैं, लेकिन आज जहाज आने वाले हैं और प्रॉम भी हम कर रहे हैं बाक मान लो, तो बताइए, खुल के बताइए कि ये जो जहाज अभी जिसका सौदा होने जा रहा है, ये कहीं इन गरीब टैक्स पेयर का सौदा क्यों होने जा रहा, क्या ये दुरुस्त जहाज ले रहे हैं? अभी ये कौन से वाले जहाज? अभी एक तो बोइंग कंपनी ने इनको कहा जी कि हम आपको 777 ही जो है वो अपग्रेड करके देते हैं और उसके हम पैसे ये करेंगे वो करेंगे, एक नई कहानी। नहीं, क्या करेंगे वो जहाज को पता नहीं, उसको अभी देखें जी, 787 लेना चाहते हैं। 787 ड्रीम लाइनर इज अ फेलियर, फेलियर एयरक्राफ्ट, जरा बताइए ये, इट्स अ फेलियर एयरक्राफ्ट, यू शुड नेवर बाय 787, अपनी ऑब्सोलीट नहीं है। हाँ? ये जिस तरह बना है इसके विंग्स तो उसमें फिट होते नहीं है जिस दिन ये पहले बना था, ये आपको जो भी करके बेचेंगे 787, इट इज अ फेलियर एयरक्राफ्ट, नेवर बाय 787 फॉर गॉड सेक, बाय 777 200ERs एंड दे आर गोइंग टू सर्वाइव योर एयरलाइन। एंड व्हाट अबाउट कैप्टन अमर, व्हाट अबाउट 300 भी अच्छा है, आप जैसे हीरा कप्तानों से, दोस्तों से मशवरे लेते रहेंगे और हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी। नाज़रीन, कैप्टन अमर की बोल्ड गुफ्तगू सुनी, लिबास से एक वडेरा जिम्मेदार, अंदर से एक दरवेश कप्तान, हमारे साथ इंशाल्लाह हम ये जंग जारी रखेंगे, हम जहाज जारी रखेंगे, हम इंशाल्लाह इसकी रिवाइवल में सर तोड़ कोशिश करेंगे। आप हमारा साथ दीजिएगा, हमारे तमाम पीए के जो हमारे साथी हैं उनको ख्याल रखना चाहिए, इस इदारे के लिए बिल्कुल बेहतर काम करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, नए जहाज खरीदते वक्त ख्याल रखिए। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक मेरी दोस्त टीम और ऑनरेबल कैप्टन अमर
और अपने मेजबान यकूब जावेद कमैना को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिए, इर्द गिर्द का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।